हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर एमसीक्यू लेकर आया हूँ। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन के तौर पर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक्स ग्रुप एयरफोर्स से लेकर बीएड एंट्रेंस, पीजीटी, सीएसआईआर नेट और बीएससी में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपको आज लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और एग्जिस्ट कब होती है लिमिट, डज नॉट एग्जिस्ट कब होती है। तो मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आपको एक एक पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए मैं एक कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए पर। ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स बराबर ए पर मैं आपको बताऊंगा कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं तो उसे हम एग्जिस्ट कहते हैं, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो वो डज नॉट एग्जिस्ट कहलाता है। तो मैं एग्जाम्पल में ही समझाऊंगा आपको, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लगाएंगे इसमें राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, यहाँ एच की जगह पर जीरो रख दें तो एफ ए प्लस जीरो कहलाती है राइट हैंड लिमिट। अब ये ध्यान रखना है ये जो ब्रैकेट वाली है ये हमेशा एक्स की जगह पर रखी जाती है क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होना चाहिए एक्स की जगह पर यहाँ रखेंगे ए प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसे खोलते, ये ध्यान रखना कभी भी डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाते, पहले जो भी क्वेश्चन है उसे एक्सपेंड करते या खोलते हैं उसके बाद ही लिमिट लगाते हैं। तो चलिए खोलिए इसे, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो रखी है इसमें तो ए स्क्वायर प्लस जीरो, तो हमने देखा आंसर आया ए स्क्वायर। अब हमें लगानी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ये वैल्यू भी एक्स की जगह पर ही रखनी है, कहाँ रखनी है एक्स की जगह पर, तो रखिए यहाँ पर तो ये बन जाएगा ए माइनस एच का होल स्क्वायर। इसे खोलिए, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू ए एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन है इसमें हमने लिमिट निकाली किस पर, एक्स बराबर ए पर, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। देखो यहाँ भी ए स्क्वायर है यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स बराबर ए पर कितनी आती है, ए स्क्वायर आती है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, अर्थात इसे फिर हम एग्जिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एग्जिस्ट। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो रखने पर एफ ए प्लस एच इक्वल आ गया एफ ए माइनस एच, इसीलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो रखने पर एफ एक्स इज एग्जिस्ट, क्या है एग्जिस्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड। मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल टू, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे बना दिया, अपॉन एक्स, किस पर निकालना है मुझे ये, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, नया क्वेश्चन। तो आपको राइट हैंड लिमिट लेनी है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब समझ लीजिए क्योंकि जब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा ट्रिक वाले तो ये नहीं लगाऊंगा, फिर तो मैं चुटकी में बताऊंगा आपको जो एक एक मिनट का 30-30 सेकंड में आंसर आ जाए, लेकिन उसका रूल्स तो समझ लीजिए आप कि आखिर हम लिमिट लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो यहां तो ए पर निकाल रहे थे आप ए प्लस एच, यहां जीरो पर जीरो, ये वैल्यू भी एक्स की जगह पर ही रखी जाती है, तो यहां रखेंगे जीरो प्लस एच तो साइन एच अपॉन एच, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका वैल्यू वन होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे होती है, एल हॉस्पिटल रूल, अभी लिखूंगा एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल कहता है ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे, लेकिन का जब लिमिट लगाने पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो और यहां भी जीरो, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, तब हमें ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। अभी मैं इसके दो एग्जाम्पल बता दूं तब आपको लिमिट और फॉर्मूले सब बताऊंगा, कम से कम ये समझ में आने चाहिए। तो इसका डिफरेंशियल हो गया कॉस एच, नीचे जीरो वन, लिमिट रखेंगे एच टेंस टू जीरो तो कॉस जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू वन। अब आपको लगाना है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यही रखोगे तो साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, मॉड के अंदर ऊपर तो साइन एच ही आएगा बाहर नीचे माइनस एच, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस साइन एच अपॉन एच। देख लीजिए इसकी वैल्यू भी वन ही आई है, तो इसकी वन ही आएगी लेकिन बाहर क्या है माइनस है क्योंकि ये सेम है, तो इसकी वैल्यू वन आ गई।
हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट लगाने पर इसकी वैल्यू 1 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने पर -1। दोनों अलग अलग हैं तो मैं आंसर लिख ही नहीं पाऊंगा, इसीलिए इसे डज नॉट एग्जिस्ट कह देते हैं। यहाँ 10 हो, यहाँ माइनस के या प्लस के 15 हो तो अलग अलग हो गए ना, तो वैल्यू लिख ही नहीं पाऊंगा, इसीलिए अब इसे कैसे लिखेंगे। देयरफॉर लिमिट एच टेंस टू जीरो रखने पर एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन बताया कि एग्जिस्ट है, एक क्वेश्चन बताया कि डज नॉट एग्जिस्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 3। मैंने मान लिया लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1/x एक्स इक्वल टू 0 पर। किस पर निकालना है, एक्स इक्वल टू 0 पर। चलिए तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 रखने पर एफ 0 प्लस एच, ये वैल्यू कहाँ रखी जाती है, एक्स की जगह पर, यहाँ रख दीजिए। तो साइन 1/h लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ रखेंगे 0 तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, लेकिन साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में होती है, लेकिन यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है। तो हमें क्या कहा, इस यहाँ लिमिट लगाने पर अगर आप लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी, इसीलिए ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने तीसरी बात में आपको इसलिए क्यों लेकर आया इस क्वेश्चन को, कि जब ये राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो हम आगे नहीं निकालते, वो चाहे एग्जिस्ट हो मत हो लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि एक अगर लेफ्ट हैंड डज नॉट एग्जिस्ट है, आगे चाहे डज नॉट एग्जिस्ट ही आए तो भी डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट आए तो भी डज नॉट एग्जिस्ट, के दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब मैं इसके कुछ रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, ये लिमिट तो यही है, बस यही एक फॉर्मूला होता है लिमिट लगाने का, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूले हैं, कुछ जो तुम्हें याद करने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बताऊंगा, और इसका एक एल हॉस्पिटल रूल है वो बताऊंगा, वो कब लगाया जाता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको छोटे छोटे दो चार फॉर्मूले बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको, इनमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी होती है, वैसे मैंने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पर भी MCQ डाली है वीडियो, उसकी लिंक भी दे दूंगा। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जैसी जब बनती है तो वो कब होती है, कैसे होती है, वो दिखा रहा हूँ। जो फॉर्म 0/0, इन्फिनेटी अपॉन इन्फिनेटी, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनेटी, इन्फिनेटी माइनस इन्फिनेटी, ऐसी फॉर्म अगर बनती हैं तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती हैं, और इसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, अर्थात कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तब ऐसी कंडीशन में हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, या आपको सीरीज मालूम होनी चाहिए तो सीरीज खोलते हैं। तो ये इनडिटर्मिनेंट की पूरी कहानी मैंने इनडिटर्मिनेंट MCQ में बताया है। तो चलिए, ये जब फॉर्म होते हैं तो हम करते क्या हैं, फिर हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म जो यहाँ ज़्यादातर यूज होगा वो है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल कब लगाते हैं वो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, इसे हम तोड़ सकते हैं, पहले तो इसका फॉर्मूला ही है तो इसे हम तोड़ लेंगे। तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो कट गया, हमारे पास ये बचा लिमिट एक्स टेंस टू ए रखने पर कितना आया, 2a आया, 2a आ गया, ये बिल्कुल सही है, हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं थी, वैल्यू एग्जिस्ट है, कितनी है कितनी भी लगाओ 2a ही आएगा। अब मैं बता रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल क्यों लगाते हैं, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ रखूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यहाँ भी ए माइनस ए 0, अब ऐसे डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, आपको पता था तो खोल के कर लिया, लेकिन नहीं मालूम होता तब, फॉर्मूला न मालूम होता तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं, इसे हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। तो करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डिफरेंशियल 2x माइनस 0, नीचे का डिफरेंशियल 1, कितना आया यहाँ 2x, लिमिट आप रख दीजिए x टेंस टू a, तो यहाँ भी 2a आ गया। तो एल हॉस्पिटल रूल ये होता है। आइए मैं कुछ इसके जो फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं और वही पेपर में आते हैं, और मैं उन्हें डिफाइन करके भी दिखा सकता हूँ कि इसका आंसर ये कैसे आया। तो चलिए लिखते हैं कुछ फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट 1+1/x की पावर x, ये शर्त है जितना यहाँ है उसका उल्टा पावर में हो विद साइन के, तो उसे हम e कहते हैं। चलिए, जैसे मैंने इसकी वैल्यू e रख दी, अगर यही लिमिट जो कि त्यों हो, यहाँ 1-1/x हो तो इसका उल्टा क्या होगा, -x, फिर भी इसकी वैल्यू e होगी। आइए मैं एक नई कहानी बनाता हूँ, मैंने कह दिया ये 1+a/x की पावर x है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, देखिए हमने अभी बताया 1+a/x, इसका उल्टा कर दीजिए x/a, लेकिन मैंने देखा यहाँ तो क्या है,
x है, और यहाँ आपने एक ही डिवाइड भी कर दिया है, इसे काटने की बजाय यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, देख लो इससे ये कट जाएगा। अब मैंने ये बताया था कि जितना यहाँ है उसका उल्टा पावर में हो, उसे हम e कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जितना यहाँ है उसका उल्टा पावर में है, उसे हम e कहते हैं, और ये a आ गया। अब मैं इसकी और जल्दी ट्रिक बता रहा हूँ जो केवल आप 10 सेकंड में कर लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1+5 अपॉन x की पावर x, आप डायरेक्ट कर देंगे कितना आया 5, आ रहा है ना पढ़ने में मजा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब के हम आपको जीरो लिमिट का बताते हैं, तब देखना क्या आएगा। तो हम लिमिट लगाते हैं x टेंस टू जीरो, तो यहाँ 1+x की पावर 1/x, तब इसे e कहते हैं। देखिए यहाँ 1/x, इसका उल्टा यहाँ, तो इन्फिनिटी की उल्टी लिमिट क्या हो जाती है, जीरो। 1/∞ का मान जीरो नहीं होता, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी e होती है। चलिए मैं ये कह रहा हूँ 1-x हो तो इसकी पावर माइनस के 1/x, इसे भी हम e कहते हैं, जितना यहाँ यहाँ। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बना दूँ अपनी तरफ से, चलिए लिमिट x टेंस टू जीरो x-3/x-5 की पावर 1/x, देखते हैं क्या लिमिट, तो मैं चेंज कर लूँगा इसे, यहाँ से x कोमन लेके काट दीजिए, 1-3/x, यहाँ पूरी x पावर करिए, चलिए ऐसे है, अपॉन यहां से कॉमन लिया 1-5/x, अब दोनों की अलग अलग लिमिट रख दीजिए और यहां इनफाइनाइट कर दीजिए, देख लीजिए जितना यहां है उसका उल्टा होना चाहिए। मैंने क्या देखा, अगर मैं यहां ऐसे कर दूं 3, तो इसकी वैल्यू e हो गई, अभी बोला था इसका उल्टा हो तो उसे e कहते, पर गुरुजी यहां तो x ही है, लो क्यों चिंता कर रहे हो, -3। तो अब लिमिट लगाने पे ऊपर वाले को हम e की पावर -3 कहेंगे। अब बिना सॉल्व करे, सॉल्व नहीं कर रहा, आप बताइए नीचे वाले को क्या कहूंगा, नीचे वाले को जल्दी बोलो e की पावर -5 कहूंगा, कट के कितना बचा, ऊपर ले गए e स्क्वायर बचा, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब कितना ही बड़ा हो, एक और लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहां मैं a लगा देता हूं, चलिए x-a/x-b की पावर x, क्या फर्क है, a की जगह पे क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, a है, तो e की पावर कितना हुआ बोलिए, -a, यहाँ e की पावर -b, ऊपर ले गए b-a, अब a b की जगह पे आप 100-100 रख लो, 20-20 रख लो, कुछ भी रख लो, तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं कि नहीं। आगे चलिए और ट्रिक्स लेते हैं, अब अलग फॉर्मूला लेते हैं, एक और फॉर्मूला लेते हैं, ये फॉर्मूला चल रहे हैं x टेंस टू जीरो log 1+x/x, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये फॉर्मूला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन नहीं आता जो बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए। चलिए इसे कैसे करूँ मैं, एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ जीरो रखूँ तो log 1 की वैल्यू 0, नीचे भी 0, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, या तो इस log 1+x को खोल दीजिए। अब ये भी बता रहा हूँ खोलना कितना है, जितना नीचे x की हाई पावर होती है केवल उतना ही खोलते हैं, उससे ज़्यादा आप खोल भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, उसका मान 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं log 1+x को खोलो, या फिर हाँ log 1+x को खोल दो या एल हॉस्पिटल लगा लो, दोनों आपके पास है, तो मैं खोल रहा हूँ log 1+x का फॉर्मूला, x-x2/2, इतना ही बहुत है, क्यों बहुत है, अभी मैंने बोला था कि जितनी यहाँ हाई पावर हो उतने तक खोलना था, बाकी आप खोल लो, लिमिट लगाने पर 0 हो जाएंगे, तो इसकी इसमें डिवाइड करोगे 1-x/2, लिमिट x टेंस टू 0 कितना आया 1, दिस इज करेक्ट, अब कभी भूलोगे तो नहीं, आनंद आ रहे हैं। चलिए एक और फॉर्मूला लेते हैं, यही आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये मैं लिमिट यहां लिखता नहीं, टाइम लगेगा लिमिट लिखने से, मैंने बोल ही दिया कि लिमिट है यहां, तो लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x -1/x, इसकी वैल्यू होती है log e बेस a, अब कैसे होती है, देखो अगर आप यहां 0 रख दोगे तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1-1 0 और नीचे भी 0, इनडिटर्मिनेंट ही बनती है, तभी हम लिमिट लगाते हैं, तो एल हॉस्पिटल लगा देता हूं, चलिए एल हॉस्पिटल, इसका डिफरेंशियल a की पावर x log a, 1 का 0 और इसका 1, अब आप लिमिट रखो x टेंस टू 0 किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, क्या बचा log a, यही आंसर है। और बताते हैं, चलिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू a
एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसका आंसर होता है एन ए की पावर एन माइनस वन। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगाता हूं तो जीरो अपॉन जीरो बन रही है, तो सिर्फ हमारे पास क्या चाह रहा है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे डिफरेंशियल, ठीक है। चलिए तो इसका डिफरेंशियल लिख देता हूं, एल हॉस्पिटल रूल एन एक्स की पावर एन माइनस वन, दिस इज जीरो, वन माइनस जीरो क्या बचा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एन ए की पावर एन माइनस वन। अब मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूं, चलिए मैंने ये कहा आपसे लिमिट एक्स टेंस टू फाइव रख लेते हैं, एक्स की पावर फाइव माइनस फाइव की पावर फाइव अपॉन यहां एक्स की पावर एक्स माइनस फाइव, ऐसे आप देख लीजिए मैंने कितना चेंज किया है, कुछ नहीं, एन और ए दोनों की जगह पर फाइव फाइव है। देखो यहां एक्स की जगह एन की जगह पर और ए की जगह पर क्या है, फाइव है, तो बस इसमें आपको रखना है एन बराबर फाइव ए इक्वल फाइव, तो आप रख दीजिए, इसका आंसर हो गया फाइव इंटू फाइव की पावर फोर। अरे पांच में से एक गया, अच्छा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया इसका ये फॉर्मूला होता है, तो कितना है फाइव इंटू फाइव की पावर फोर अर्थात फाइव की पावर फाइव। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते, तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन आपको मोड के बताते हैं और फिर कुछ सीरीज के बताएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखे देता हूं यहां पर, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन मोड एक्स अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पर निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट लगाएंगे या मैं, चलिए राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, एग्जिस्ट है या डज नॉट एग्जिस्ट है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, यहां जीरो प्लस एच रखोगे तो साइन एच अपॉन एच, ये तो हट गया साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू वन होती है, डिफाइन तो मैं कर चुका हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, इसमें ही रखते हैं एक्स की वैल्यू, कई बार बता दी है, तो साइन जीरो माइनस एच यानी माइनस एच अपॉन माइनस एच, मॉड के अंदर ये प्लस ही होगा, साइन एच अपॉन माइनस एच, इसे माइनस बाहर साइन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो रखोगे माइनस वन, यहां तो इसकी वैल्यू वन है यहां माइनस वन है, तो क्या है डज नॉट एग्जिस्ट है, अभी बताया था ना, इसीलिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रखने पर, क्या एच टेंस टू जीरो रखने पर एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, काय पर एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, ये नहीं है ऐसे लिखते। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं ऐसा ही, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो चलिए राइट हैंड लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका मतलब ये भी है एट एक्स बराबर जीरो पर, इसे एफ एक्स लिख दो, चलो राइट हैंड लिमिट लगा रहा हूं, तो एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू, तो यहां जीरो प्लस एच माइनस के जीरो प्लस एच अपॉन एच, ये बन गया एच माइनस एच अपॉन एच, वन माइनस वन अपॉन वन इक्वल टू जीरो, एच ऊपर नीचे से कोमा लेके काट दो तो यहां तो जीरो आ रहा है। चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच रखते हैं यहां पर, तो जीरो माइनस एच रखिए तो एच माइनस के माइनस माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये माइनस एच, यहां माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस लेकिन माइनस है, माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस के टू एच अपॉन माइनस एच, कट गया, कितनी वैल्यू आई टू, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां कितनी आई थी आपकी जीरो, यहां कितनी आई टू, अलग अलग है तो क्या लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट लिख लोगे ना। एक और लेता हूं एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, यहां जीरो प्लस एच रखोगे तो एच अपॉन एच अर्थात एच अपॉन एच कट के वन, लेफ्ट हैंड लिमिट रखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यहाँ जीरो माइनस एच रखोगे तो माइनस एच माइनस एच, ऊपर प्लस नीचे माइनस कट के माइनस वन, ये तो माइनस वन है और ये प्लस वन है, डज नॉट एग्जिस्ट लिख लोगे ना। चलिए अब मैं एक एक्सटेंशन का क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स, इसे कैसे करें, वन प्लस एक्स को खोलेंगे लेकिन जितनी यहां हाईएस्ट पावर होती है उतने तक ही खोलते हैं, उससे ज्यादा खोल लो तो सही है, तो मैं पहले यार राइट हैंड लिमिट लगा दूं ऐसे खोल लेंगे, ठीक है
वैल्यू सबकी सेम ही आएगी, ये तो मोड वाले थे, मोड में थे इसलिए मैंने राइट हैंड लेफ्ट हैंड तुम्हें समझाया कि मोड में अगर क्वेश्चन ऊपर और नीचे लिखे हो, एक तरफ मोड हो एक तरफ ना हो, तो किसी भी पॉइंट पर निकाल लेना, 100% डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। इसे तो मैं खोल ही देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इतना टाइम कहाँ है। तो 1+nx बस इतना ही बहुत है। गुरुजी आगे क्यों नहीं खोला? इसलिए नहीं खोला क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, तो 1 तक ही बहुत है। तो 1 से 1 कट गया, इस x से x, इसकी वैल्यू कितनी हुई? n हुई। यही आंसर है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। मैंने कह दिया लिमिट x टेंस टू 0, 1+x की पावर 10 - 1/x। अब आप कैसे करेंगे? 10 का तो हमें मालूम ही नहीं है। अगर तुम्हारे माइंड में आ जाए कि n है, फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट रख देंगे इसकी वैल्यू कितनी है? 10 है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है, उन्हें कराते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा? मैंने आपको बताया था ऊपर या नीचे मॉड में हो फंक्शन वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और चलिए इसे हम चेक करके भी देखते हैं। किस पर पूछ रहा है? लिमिट 0 पर। तो आप राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0+h। यहाँ 0+h रखेंगे यानी h, यहाँ 0+h रखेंगे यानी h, h अपॉन h इक्वल्स टू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 0-h रखेंगे, तो यहाँ 0-h अपॉन 0-h, ऊपर पॉजिटिव h, नीचे -h, कट के कितनी वैल्यू आई? -k1। ये 1 है, ये -1 है, तो कैसे सॉल्व करूँ? डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ना। कैसे आंसर लिख सकता हूँ? आंसर तभी लिख सकता हूँ जब दोनों की वैल्यू सेम हो। तो कौन सा सही है? डी पार्ट इसका राइट है, करेक्ट है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। एल हॉस्पिटल लगाओ या डायरेक्ट ही आप कर दो। ये तो मैंने राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट यो दिखाई क्योंकि इसमें मोड था, मोड में डिफरेंस साइन का चेंजिंग आ जाता है। इसमें तो केवल मैं क्यों एल हॉस्पिटल ही रखे देता हूँ। ठीक है, लोग क्यों रख रहे हो एल हॉस्पिटल? आप लिमिट लगा के देखिए, 0 - 1 - 1, 0 नीचे भी 0, e की पावर 0 की वैल्यू ही रखें तो 1 होगा, 1 - 1 0, नीचे 0 रखें 0, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे? मैंने बताया था इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। एल हॉस्पिटल लगा लो, राइट एंड लेफ्ट एंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है, जल्दी आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल से ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, इसका 0, नीचे का 1, सिर्फ बचा e की पावर x, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 0 की वैल्यू 1। बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x - 1 e की पावर 1/x + 1। अगर मैं लिमिट रखता हूं तो 1/0 की वैल्यू इन्फानाइट होती है और e की पावर इन्फिनेटी की वैल्यू इन्फिनेटी, तो यहां इन्फिनेटी माइनस 1 अर्थात इन्फिनेटी, यहां भी इन्फिनेटी प्लस 1 अर्थात इन्फिनेटी। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगाओ तो बड़ा हो जाएगा, क्यों ना इन दोनों को मैं कॉमन लेके काट दूं और बचे हुए में लिमिट लगा। मैं देखिए इसको कॉमन लोगे तो यहाँ 1 - e की पावर - 1/x, इसको कॉमन लोगे 1+e की पावर - 1/x, जो कॉमन लिए थे वो मैंने काट दिए। अब यहाँ लिमिट लगे रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो 1 - e की पावर - इन्फिनिटी, 1+e की पावर - 1 - 0, 1+0 अर्थात 1। देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा था? बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या लिख रहा है? fx = x sin 1/x है, तब x टेंस टू 0 fx इक्वल क्या होगा? तो fx इक्वल टू क्या है देखिए, x sin 1/x, और किस पर निकलवा रहा है? 0 पे। मैं डायरेक्टली लिमिट 0 रख के बताता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तो हो जाएगा 0, ये अगर मैं यहां लिमिट रखता हूं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, लेकिन साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में भी होती है। अगर ये सिंगल होता इतना तो मैं इसे लिख देता डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहां तो x भी है, जब x है तब। अब ये वैल्यू क्या मानी जाएगी? फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, कैसी है? फाइनाइट, क्योंकि मैं जानता हूं प्लस और माइनस 1 के बीच में होती है, तो ये फाइनाइट। और 0 की मल्टीप्लाई फाइनाइट में करोगे तो क्या आएगा? 0। तो इसकी वैल्यू कौन सा क्वेश्चन था? इसका बी इज द करेक्ट आंसर। एक और देखिए, ये पांचवा क्वेश्चन, ये तो हम बता चुके हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1+x की पावर 1/x, इसे हम क्या कहते थे? e। एक और बताऊं, 1 - x की पावर 1/x, तो तब इसे क्या कहेंगे? जितना यहां कांस्टेंट होता है इतना यहां पावर में आ जाता है, e इनवर्स कहेंगे। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू कितनी है ऊपर वाले के फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया। सिक्स क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिक्स, लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, आपको पता है ये भी मोड में है, ये भी मोड में है, यहां जीरो रखने पर जीरो अपॉन जीरो दिख रहा था, यहां टू रखने पर तो जीरो अपॉन जीरो ही दिखेगा, और मैंने क्या बताया था कि मोड में ऊपर हो या नीचे मोड, लिमिट लगाने पर हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आता है, ठीक है। मैंने राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें लगा के दिखाएंगे, इसमें खुद लगा के देख लोगे कि रखूं, चलिए रख के दिखाते। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच, यहां रखिए एक्स की जगह पर, टू प्लस एच माइनस टू, टू प्लस एच माइनस टू, टू से टू ये ऊपर एच अपॉन एच इक्वल टू वन। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच, तो यहां रखेंगे टू माइनस एच माइनस टू, टू माइनस एच माइनस टू, ये कट गया ऊपर तो प्लस की एच, नीचे माइनस कट गया, कितना आया माइनस वन, यहां वन है और यहां माइनस वन है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं, अलग अलग वैल्यू, वन लिखू क्या माइनस वन लिखू, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही आंसर होना चाहिए, तो इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इन क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा, लिमिट एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताया है, दोबारा लिख रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू होता है एन ए की पावर एन माइनस वन, यहां एन इक्वल टू कितना है थ्री है, तो रखिए थ्री ए की पावर टू, थ्री ए स्क्वायर, सी इज द करेक्ट आंसर। इसको देखिए, इसका भी मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स, तो मैंने बोला था जितनी लोएस्ट डिग्री होती है उतने तक ही खोलते हैं बस, तो वन प्लस एन एक्स बायनोमल थ्योरम माइनस वन अपॉन एक्स, ये कट गया एक्स से एक्स क्या बचेगा एन, एन इक्वल यहां क्या है सेवन है, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नाइन क्वेश्चन, ये लिमिट यानी प्लस लिख रखी है क्योंकि ये मोड है, मोड में फिर मुझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों दिखाने पड़ते, ठीक है, तभी तो लिमिट की वैल्यू निकलती, तो केवल मुझे राइट हैंड लिमिट लगानी है जीरो पर, तो राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये अगर एफ एक्स है तो ये एक्स की जगह पे बताया था जीरो प्लस एच यानी एच, यहां जीरो प्लस एच यानी एच, एच अपॉन एच इक्वल्स टू वन, बी इज द राइट आंसर। चलिए ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स इक्वल टू वन पर देखना है, किस पर देखना है वन पर, तो सॉल्व करते हैं इसे, राइट हैंड लिमिट वन पर निकालिए, तो एफ वन प्लस एच कितना होगा, यहां वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एच माइनस वन मोड, ठीक है, इसे खोल दीजिए, वन प्लस एच स्क्वायर प्लस के टू एच माइनस वन, इस वन से वन कटेगा, मोड एच का मतलब एच, इससे ये कट जाएगा, एच की डिवाइड करो एच प्लस टू, लिमिट एच टेंस टू जीरो रखोगे तो टू आएगा, सी इज द राइट आंसर। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ई की पावर वन अपॉन एक्स, ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक ही लिमिट लगाएंगे, प्लस दिखा दिया है उसने तो आगे की जरूरत नहीं है, तो लगा ही दीजिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, यहां रखेंगे जीरो प्लस एच प्लस वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर लिमिट रखता हूं तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है, मालूम है कैसे, e की पावर इन्फिनेटी की वैल्यू इन्फिनेटी होती है, तो इन्फिनेटी अपॉन इन्फिनेटी प्लस वन इन्फिनेटी, तो ये आ गया, अब मैं क्या करूं, ऊपर नीचे e की पावर वन अपॉन एच कोमन लेके काट देता हूं और फिर देखेंगे लिमिट लगा के क्या आता है, तो इसको कोमन ले लो, ऊपर वाले को काट दो, यहां वन प्लस e की पावर माइनस वन अपॉन एच, आप लिमिट रखिए वन प्लस e की पावर वन अपॉन इन्फिनेटी का माइनस, e की पावर माइनस इन्फिनेटी की वैल्यू जीरो होती है, तो वन अपॉन वन प्लस जीरो अर्थात वन, सी इज द राइट आंसर। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको केवल लिमिट बताई है, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैं सेकंड वीडियो में कंटिन्यूटी लेके आऊंगा, उसमें आपको कंटिन्यूटी पूरी डिफाइन करके बताऊंगा, तब उसके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है।